माता की जय। वंदे मातरम। बात आती है दिल्ली की, तो अभी दिल्ली में धारा 144, कॉलेज बंद, स्कूल बंद, नाइट कर्फ्यू, उल्टे सीधे पता नहीं कितने कितने बैन लगा रखे। हम सब साथ में मिलके दिल्ली चलेंगे, वहां चाहे बहनचोद फिर धारा 144 हो, कर्फ्यू हो, ओमिक्रोन हो, ओमिक्रोन का बाप हो, माँ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कि सिर्फ और सिर्फ आज के बाद फौजियों को बच्चों के लिए ही रैली भर्तियों का या रिलेशन भर्तियों का आयोजन किया जाएगा। जो बाकी लोग हैं वो तैयारी करना बंद कर दें। कुछ लोगों ने लिखा है, कुछ मगर चौथ कुत्तों ने लिखा है कि भाड़ में जाए रैली भर्तियां। अरे भोसड़ी को, तुम जिसकी वजह से अपने घरों में सेफ बैठे हो, ठीक है, तुम ये जो बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बातें कर रहे हो, ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, ये जो फौजी भाई है, इनकी वजह से ही तुम सलामत हो, नहीं तो मादरचोदो कहीं नंगा नाच करते तुम। होश तक नहीं रहता किसको बाप बोलना है, किसको बहन बोलनी है। मादरचोदो सर मानी चाहिए। ओ भारत माता की जय। आज का ये वीडियो अगर इन रैली भर्तियों के जिम्मेदार लोग देख रहे हैं जिनकी वजह से नहीं आ रहा है, तो आप जरूर इस विषय पर थोड़ा फोकस जरूर करें। बात रही दिल्ली जाने की या बीआरओ का घेराव की, तो इसमें कोई वक्त नहीं लगता है। अभी कल जैसे ही परमिशन के लिए कॉल किया, तो पहला तो वकील महोदय का यह कहना है कि आप खुद एक जिम्मेदार नागरिक हो, आप सभ्य नागरिक हो, ऐसा ही कहा है। परमिशन ऐसा है, हमारा प्लान कुछ और था, लेकिन ये एकेडमी वाले, इनसे भी सभी से निवेदन है और सभी बच्चों से भी, इस वीडियो को शेयर करके हर एक उस बंदे तक पहुंचाएं जो आपके बारे में बात करता है, चाहे वो आपके इमोशन से खेले, चाहे वो कुछ भी करे, उस तक भी ये पहुंचना चाहिए और उसको पता लगना चाहिए कि सिचुएशन या जो स्थिति है वो क्या बनी हुई है। जब बात कही जाती है कि अपने क्षेत्र पे हम घेराव करेंगे, कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देंगे, वहां हम इकट्ठा होते हैं, तो वहां सिर्फ राजनीति होती है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। आपको भी लगता होगा कि राजनीति नहीं होती वहां पे, अरे होती है, नहीं होती। दूसरा, बात आती है दिल्ली की, तो अभी दिल्ली में धारा 144, कॉलेज बंद, स्कूल बंद, नाइट कर्फ्यू, उल्टे सीधे पता नहीं कितने कितने बैन लगा रखे। इस वजह से वहां परमिशन नहीं मिल रही, राहुल गांधी को भी नहीं मिली, तो हम क्या चीज है। बिना परमिशन के भी जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए संख्या बल ज्यादा चाहिए। संख्या इतनी होनी चाहिए किसान आंदोलन की तरह कि किसी माइक के लाल की औकात तक ना हो वहां घुसने से रोकने के लिए। जो भी एकेडमी वाले हैं, बिल्कुल दिल खोल के आपका स्वागत है। आप वहां दिल्ली कब आना है वो आप डिसाइड करो, चाहे मैं डिसाइड करूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ेगा कि वहां इकट्ठे हुए और रैली भर्तियों का जो है, हमने रैली भर्तियों की मांग उठाई और हमारी मांगे पूरी हुई। कई लोगों को पूछते हैं कि तुम कुछ भी कर लो, घंटा कुछ नहीं होगा। कई बोलते हैं कि नहीं नहीं हो सकता है, अब ऐसी सिचुएशन में कहां जाए। तो जब तक संगठित होकर आप काम नहीं करोगे, वहां कुछ नहीं होना है। जितनी भी रिलेशन भर्तियां थी, फौजियों के जो बच्चे थे वो लगातार भर्तियां देखे जा रहे हैं, आर्मी जो अपनी रिक्वायरमेंट है वो रिलेशन भर्तियों के माध्यम से किए जा रही है, तो या तो जो इंडियन आर्मी है जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर एक नोटिफिकेशन लगा दे कि सिर्फ और सिर्फ आज के बाद फौजियों को बच्चों के लिए ही रैली भर्तियों का या रिलेशन भर्तियों का आयोजन किया जाएगा। जो बाकी लोग हैं वो तैयारी करना बंद कर दें। कल परसों एक एक पोल भी डाला था मैंने कि दिल्ली चलने के लिए कुछ तैयार है। कुछ लोगों ने लिखा है, कुछ मगर चौथ कुत्तों ने लिखा है कि भाड़ में जाए रैली भर्तियां। अरे भोसड़ी को, तुम जिसकी वजह से अपने घरों में सेफ बैठे हो, ठीक है, तुम ये जो बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बातें कर रहे हो, ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, ये जो फौजी भाई है, इनकी वजह से ही तुम सलामत हो, नहीं तो मादरचोदो कहीं नंगा नाच करते तुम। होश तक नहीं रहता किसको बाप बोलना है, किसको बहन बोलनी है। मादरचोदो सर मानी चाहिए। यही जानने के लिए लिखा था कि मेरी तरफ से भाड़ में जाए भर्ती, और तुमने अच्छा उसका रिस्पॉन्स दिया है। लेकिन बाकी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने 80%+ में यह कहा है कि सर हम चलने को तैयार हैं। अब बात रही क्या फौजियों के बेटों को ही अब भर्तियों में लिया जाएगा। कोई और समस्या है तो उसका हमें कम से कम नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया तो जाए। अब फाइनल जो बात है, वो जितने भी शुभचिंतक बने फिर रहे हैं इन बच्चों के, उनको फाइनल ये कहना है
फिलहाल प्रेजेंट में ये चल रहा है कि 30 जनवरी को इनका एग्जाम हो जाएगा, और अगर 30 जनवरी को नहीं होता है बाकायदा 31 जनवरी को, 1 फरवरी को, 2 फरवरी को, 3 फरवरी को वीडियो के माध्यम से आपको मैं खुद खुला निमंत्रण दूंगा कि आप या तो खुद आगे बढ़े या मुझसे संपर्क करें, हम सब साथ में मिलके दिल्ली चलेंगे। वहां चाहे बहनचोद फिर धारा 144 हो, कर्फ्यू हो, ओमिक्रोन हो, ओमिक्रोन का बाप हो, माँ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है? कितने दिन यार, 2 साल हो गई, ये ठंड दिख रही है, इस ठंड में ऐसी तैसी करवानी पड़ती है। इनमें रिलेशन वाले हैं, उनको थोड़ा बुरा लग रहा होगा। बुरा लग रहा है ना तुम्हें रिलेशन वालों को? साथ में रहते हो, तुम्हारे भाई नहीं है ये? और बोल रहे तुमसे ज्यादा मेहनत करते हैं कम करते हैं? तो फिर टाइम तुम्हारा बेस्ट आता है रिलेशन वालों का कि इनका आता है? भाई मेहनत करो, बुरा मत मानना रिलेशन वाली भर्तियों के भी बच्चे, मेहनत आप भी करते हो, मेहनत ये भी करते हैं, लेकिन उसका परिणाम क्या? आप भर्तियां वो देखो, 3-3, 4-4 भर्ती देके खड़े और 5वीं की तैयारी में है, और यहां एक एक भर्ती नहीं देखी, एक एक भर्ती देखने के लिए 2-2 साल हो गए। तो इस विषय पर मजे लेना बंद करो। दिल्ली जाने की 5 को परमिशन दे रहे हैं, किससे भी मीटिंग कर लो, 5 की परमिशन है, कुछ नहीं होगा, घंटा कुछ नहीं होगा, मैं आज भी बोल रहा हूं, जाके ज्ञापन दे दो वापस आ जाओ, ज्ञापन दे दो वापस आ जाओ। राजस्थानी भाषा के लिए 2003 से यहां जयपुर से विधेयक भी पारित हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन आज तक मान्यता नहीं मिली, अभी भी चल रहा है, मान्यता मिलेगी, मान्यता मिलेगी, हजारों लाखों ज्ञापन दे चुके, घंटा कुछ नहीं होता ज्ञापन से। ज्ञापन आप भी दे सकते हो, थाने में दे दो, आर्मी के एआरओ पे दे दो, बीआरओ पे दे दो, कहीं भी दे दो, जब तक एक संगठित होकर हुड़दंग नहीं मचाएंगे, सीधी बता रहा हूं, तब तक ये भर्तियां नहीं करवाने वाले। 30 जनवरी का इनका फाइनल है कि एग्जाम हो जाएगी, उसके बाद में 14 फरवरी तक अपडेट कर देंगे सारे एआरओ बीआरओ जिनके भी भर्ती वगैरह है। ये अभी तक जो है सोर्सेज से पता लगा है, और ये अच्छी बात भी है, 1 फरवरी में रिलेशन वालों की भी एग्जाम हो रही है, तो अभी तक रिलेशन वालों की भी कईयों की नहीं हुई है, तो वो भी होने वाली है। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए, और अब वक्त आ गया है जनवरी 30 जनवरी उसके बाद में गांठ बांध ले, ना किसी के कलेक्ट्रेट के यहां धरना देना है, ना कहीं और देना है, सीधा दिल्ली के दिल पर वार, लाल किला। सही है? यस सर। और इसमें कोई अगर पीछे हटता है तो उससे बड़ा उसको शब्द में बाद में ही कहूंगा, पहले नहीं, दिल्ली के मंच से ही कहेंगे उसको क्या कहना है वो। लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, हर हो महादेव, आत्मा की जय।